हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है चोल के पोल कॉल। नमस्कार, मेरा नाम है किरण सोनोने, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जैसे कि मेरा लास्ट वीडियो था, ये मेरा सेकंड वीडियो है, मेरा लास्ट वीडियो था इंश्योरेंस के ऊपर, उसी का ये पार्ट टू समझ लीजिए। तो ये लास्ट जैसे मैंने बात किया था कि लास्ट कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी हमें कैसे बेवकूफ़ बनाती है, यानी रिन्यूअल के टाइम पे, रिन्यूअल जब होता है तब वो फ़ोन करती है, रिन्यूअल करा के लेती है। जब हम लोग को इंश्योरेंस क्लेम करना होता है तो हम लोग को दौड़ना पड़ता है यहाँ से वहाँ। जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने बात किया था आपसे कि मैंने ऑलरेडी जो इंश्योरेंस कंपनी है उन लोग को मेल डाला है, कॉल पर बात चल रहा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अभी जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर मुझे एक लेटर आया है जो कि एस्केलेशन पर्सन से, एस्केलेशन टीम से, कि यहाँ पे उन्होंने फिर से रिजेक्ट किया है। उनका कहना है कि जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने बात किया था आपसे कि मैंने ऑलरेडी जो इंश्योरेंस कंपनी है उन लोग को मेल डाला है, कॉल पे बात चल रहा है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। अभी जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर मुझे एक लेटर आया है जो कि एस्केलेशन पर्सन से, एस्केलेशन टीम से, कि यहाँ पे उन्होंने फिर से रिजेक्ट किया है। उनका कहना है कि मेडिकल की जो है ज़रूरत नहीं थी, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं थी ये केस में, इसलिए मेरा क्लेम रिजेक्ट किया गया है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं थी तो MD डॉक्टर ने सजेस्ट किया, मेरे पास अभी भी पूरी फाइल है, मैं आपको स्क्रीन पे शो करता हूँ। तो ये कंपनी कितने हद तक ये कस्टमर को परेशान करती है, इन्होंने तो आज पूरी हद पार कर दी है। क्योंकि कंटिन्यूसली मैं दो महीना हो गया मैं कंटिन्यूसली फॉलोअप ले रहा हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया आपको, जैसे कि मेरा वाइफ का जो रीएम्बर्समेंट का केस था उसके रिगार्डिंग मैंने बात की थी, तो आज फिर से उसका फॉलोअप के लिए मैंने मेल डाला था, कॉल चल रहा था, लेकिन आज फिर से मेल आया जो कि आपको बता रहा, आपसे वही शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं एक ही कस्टमर हूँ उनके लिए, तो ये हो सकता है कि ये मैं एक डिजिट या तो एक चेहरा हो या तो जो भी है, कि ऐसे कई सारे मेरे भाई रहेंगे, मेरे बहन रहेंगे, जो भी है, जिन्होंने क्लेम लिया है और पॉलिसी भर रहे हैं, ऑन टाइम पैसा भर रहे हैं, लेकिन उनको मीन्स कोई भी कितने भी अमाउंट छोटी हो या बड़ी, 5,000 हो, 1,000 हो, जो बंदा कोई जेब से देता है, कोई भी एक रुपया भी देता है तो उसकी मेहनत की कमाई का होता है। और ये कंपनियां कस्टमर को ऐसे फ्रॉड करा, और ये कंपनियां हम जैसे गरीबों का या तो किसी का भी पैसा हो, गरीबों का या अमीरों का हो, ये पैसा खा रही है सीधा। मैंने सारे डॉक्यूमेंट दिए थे, मैं मेरा एग्जांपल बता रहा हूँ। ऐसे कई सारे केसेस हो गए इंडिया में ही ऐसी कई सारी कंपनियाँ होगी। तो ये एक देखा जाए तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। अभी मैंने गूगल पे डाला ये साइट सेम इसके लिए, जो भी है एस्केलेशन मैट्रिक्स, इन लोग का जो उनके टीम है एस्केलेशन पर्सन के लिए, उनको भी कॉल कर रहा हूँ, लेकिन कॉल पे कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, मेल पे डाल रहे सिर्फ। अगर ठीक है मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ मेल पे तो मैं कर रहा हूँ, अगर जिसको कुछ आइडिया ही नहीं है, जो बंदे ने खुद जाके अपनी फैमिली सिक्योर रहे इसके लिए उसने कुछ पैसा अमाउंट जमा किया हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में, तो बंदा कैसे करेगा, कैसे फॉलोअप लेगा ये ऐसी कंपनी से। वो तो बंदे का जितना भी पैसा वो खर्चा करेगा वो तो डूब ही जाएगा। ये कहीं तो बहुत गलत हो रहा है, इसे रोकना चाहिए। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, कंपनी का बंदा जो भी है कोई वेरिफिकेशन नहीं करता है, कोई कॉल नहीं करता, ना ही हॉस्पिटल को ना ही कस्टमर को, ये वहाँ पे बैठे बैठे चेयर पे बैठे बैठे कैसे क्या रिजेक्शन करता है कोई भी क्लेम। किसी के बाप का पैसा नहीं है ये, अगर आप क्लेम रिजेक्ट कर रहे हो तो उसका रीज़न होना चाहिए वैलिड। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट बेसिस पे कोई किसी का भी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकते।
आप फिजिकली किसी पर्सन को मिलिए, हॉस्पिटल में जाइए, या तो फिर जो भी पेशेंट है जिसका जिसका भी पॉलिसी है उसको मिलिए, ये नहीं हो रहा है। ये बस मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आज भी मेरे साथ जो कुछ उम्मीद थी वो भी आज मुझे, जो मेरी जो इंश्योरेंस की कंपनी थी उससे उम्मीद थी वो भी आज चली गई है, मुझे कुछ उम्मीद ही नहीं है अभी तो। लेकिन मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ कि ऐसे पॉलिसी में से पॉलिसी जो लेने से अच्छा नहीं ले वही अच्छा है, क्योंकि हम पॉलिसी ले, हम पैसा भरे क्या ताकि हमारी फैमिली सिक्योर रहे, फिर हम कंपनी जब तक हमसे अच्छे मीठे बात करती है, जैसे हम पॉलिसी ले लेते हैं, जब हमारे ऊपर कुछ कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो ये कंपनी से हाथ ऊपर कर देती है। कंपनी का नाम मेंशन नहीं करूँगा, जल्दी मैं नाम भी मेंशन करूँगा कंपनी का, लेकिन ये रुकना चाहिए। अभी मैं जो है, अभी मैंने तो जस्ट मेरा एक प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, मेरा जो मेरे साथ जो गलत हुआ वो शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि आगे जो भी मेरे साथ मुझे लग रहा है कि गलत हुआ है, गलत हो रहा है, जो भी गलत है, तो ये इसका मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए मैंने मेरे चैनल का नाम भी वैसे लिख दिया है, झोल के पोल खोल, जो भी रहेगा गलत मैं डालते रहूँगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, धन्यवाद, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।